जीत का ये पत्रकार बंधु और ये जिला प्रशासन आज ये सुनिश्चित कर ले कि छत्ती बिरादरी का समाज आज हमारे गांव के साथ आया हुआ छत्ती बिरादरी का भाईचारा अपनी अपनी तकिया उठा के दिखाओ छत्ती बिरादरी और पत्रकार बंधु इसका बात कर ले। आज का सरल समाज का विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया था कि कुछ महीने पहले गांव छात्र में एक ऐसी समाज और एक दूसरे समाज का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था और झगड़े में समाज का नौजवान जेल भेज दिया गया, लेकिन कुछ नौजवानों ने जानबूझकर गांव का बदनाम करने की नीयत से गांव के सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है और ये लोग झूठे मुख्य में दर्ज कराते हैं और ये बाहर के लोगों को बुला के अपनी दुकानदारी चलाने का काम करते हैं और जिला प्रशासन को ब्लैकमेलिंग करके पैसे अटने का काम करते हैं। समाज छत्तीसगढ़ का समाज और ये धुआं दबा प्रार्थना करता जिला प्रशासन से खाप पंचायत कि ऐसे तत्व और दलालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके भाईचारे को विखंडित करने का काम करने वालों को जेल में ठोकने का काम करें। साथ ये लोग झूठे मुकदमे करके ब्लैकमेलिंग करते हैं और हमारे सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का काम करते हैं। 1 जनवरी 2022 को भी इन्होंने एक ऐसे आदमी को बुला के जो जनता का नकारा हुआ संसद था, जनता द्वारा बैन कोई आदमी था, उसको बुला के हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। ऐसी ताकत और दलालों को ये छत्तीसगढ़ बिरादरी का भाईचारा कदापि सहन नहीं करेगा। और एक बात और चेतावनी देना चाहता हूँ, भाईचारे को तोड़ने वाले हो आंख और नाक और पांच इंद्रियां खोल के सुन ले और जिला प्रशासन भी, या तो यहाँ जो भाई बैठे हैं इनको उठा दो क्योंकि हर रोज बाहर से असामाजिक तत्व दलालों को बुला के छत्ती भाई छत्ती बिरादरी के भाईचारे को और जींद की जनता में जर्ब घोलने का काम करते हैं, नहीं तो ये थुआ तपा के हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं और हमारी छत्ती बिरादरी आई हुई है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर प्रशासन को यहाँ से नहीं उठाया तो हम इनके बराबर में टैट करने का काम करेंगे। और जिला प्रशासन से एक बात और रजत कंचन और दिनेश खापर, इनका इतिहास हमेशा जातु और समुदाय में विद्वेष पैदा करने का रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं इनकी खातों की जांच और प्रॉपर्टी की जांच जरूर करवाए क्योंकि इनको बाहर से फंडिंग होती है बाहर से, और फंडिंग करने के बाद ये राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं, भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, दिनेश खापड़ के भाई का और रजत कलसन के भाई का, खुद दिनेश खापड़ का आरएम लाइसेंस बना हुआ है। हम सरकार से यह भी मांग करते हैं इन लोगों के आरएम लाइसेंस से गांव छत्तर खापड़ में शांति भंग होने का भी खतरा है और प्रशासन इनके आरएम लाइसेंस को भी तुरंत कैंसिल करने का काम करे। जब छत्ती बिरादरी के बीच जिला जी प्रशासन का और गांव छत्तर के हमारे जिला बक मुद्दे भी थे और जो हमारे एसपी साहब चले गए वो भी थे, जब समझौता हो गया था तो क्या बच गया था? झगड़ा हमेशा पहले भी होता था, आज भी होता था, छोटी छोटी बातों को ये जातीय रंग देकर हमारे समाज को विघटित करने का काम करते हैं। एक बार पुनः चेतावनी देता हूँ कि हम ऐसे किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को कभी सहन नहीं करेंगे और इनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे।